गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर नंबर 9 8th क्लास का आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर आज हम सीखेंगे किस तरीके से इनकी मोनोमियल्स की और पॉलिनोमियल्स की, इनकी मोनोमियल्स ही ज़्यादातर इसमें मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9.2 इंग्लिश मीडियम में मैंने दिखा दिया, नोट कर लेंगे आप। और आपने बुक नहीं निकाली तो बुक निकाल लें, कॉपी पेन निकालें और फिर करें। और देखो ये हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम के मैंने आपको दिखा दिया, तो आप हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, आज तारीख हमारी 18। ओके, 18/11/2022। और यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा निम्नलिखित एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और इंग्लिश में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो कैसे, फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे और 4.7p दे रखा है इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 की मल्टीप्लाई 7p से करेंगे। तो 4×7=28p की जगह p आ जाएगा 7s। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या, -4p, 7p, तो इसका मतलब -4p की मल्टीप्लाई करेंगे 7p से। तो बेटा तरीका ये कहता है, इस केस में बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले जो साइन है वो देखो, साइन एक ही बार माइनस है तो एक बार लगा लेंगे, 7 की 4 से 7×4 = 28 आ जाएगा। और P की मल्टीप्लाई P से करेंगे तो इसका मतलब P की पावर 2। क्या होता है जब कोई भी ये चर, इनको चर या वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जब ये चर या वेरिएबल, वेरिएबल चर क्या होते हैं, A, B, C ऐसे Z तक, कहाँ तक, Z तक, जितने XYZ जितने भी हैं सारी डिजिट ये चर होती हैं। जब चर को X की गुणा अगर X से करेंगे तो X की पावर 2 होगा, X² की गुणा X से करेंगे या एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो इनकी एक्स की पावर 3 होगा। मतलब क्या होता है, इनकी पावर इस पे एक है, इस पे भी एक है, तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 = 3 हो जाएगा, एक और 2 = 3 हो जाएगा, मतलब पावर जुड़ जाती है। देखो P की पावर 1, तो P की पावर 2, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पावर जुड़ जाएंगे। अगर वही अगर ऐसे होता है, यहाँ पे -4p और प्लस का 7p ऐसे होता तो हम क्या, 7 में से 4 घटाते, 7 में से 4 गया 3p और वो भी प्लस की बड़ी संख्या, तो प्लस का 3p बचता। बात समझ में आ रही है कि कब पावर लगाएंगे और कब उनको बिना पावर के लिखते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों तीनों पॉइंट्स क्लियर कर दिए। थर्ड वाला पॉइंट लेते हैं इसका, आपकी किताब बुक का 4p, 7p की। अब देखो यहाँ पे बच्चे फिर कन्फ्यूज होने वाली बात रखते हैं कि सर अब क्या करेंगे, तो बहुत आसान है, बस ध्यान रखें आप सारे क्वेश्चन में, समझाने का मैं काम कर ही रहा हूँ, आप यहाँ समझेंगे तो ईजिली आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब देखो कैसे, यहाँ पे हम करने वाले 7pq। ओके, तो अब देखो कैसे, 4 माइनस की जगह तो माइनस साइन, 7×28 = 28 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे p है और यहाँ भी p है, यहाँ p एक बार है, पावर 1, यहाँ पावर 1, तो p की पावर 2 हो जाएगी। और q एक बार है तो q को एज इट इज लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट है लेते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट लेंगे। फोर्थ में कहा 4p की पावर 3 - 3p। अब देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे फिर दिक्कत है बच्चों, ध्यान से देखना, 4p की पावर 3 और मल्टीप्लाई -3p। बेटा इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, जो माइनस वाली डिजिट है उसको क्या करना है आपको, जो मल्टीप्लाई में देखो तो ब्रैकेट में बंद करना है। अब तरीका क्या कहता है, दोनों में से एक पे माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और 3×12 = 3, 4×12 हो गया। अच्छा, p की पावर 3 और p की पावर 1 = 4। पी की पावर, बात समझ में आ गई, अब तो मुश्किल नहीं लग रही सवाल, ये क्लियर हो गए। यस, नहीं, अगर जो आप बोले उसका मतलब ये है, अगर अंदर या बाहर माइनस का है और अंदर भी माइनस का है तो तब वो प्लस का होगा, स्पेशली इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। तो ये बात क्लियर होगी। फोर्थ पार्ट, फोर्थ के बाद इसमें और फिफ्थ पार्ट बचा है, फिफ्थ वाला पार्ट ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे करेंगे फिफ्थ वाले पार्ट को। फिफ्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ में क्या कहा, 4p × 0 दे रखा है पहले, फिर उसके लिए 4p × 0। जब 4p की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर 0 रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, बेटा बुक दिखाओ, क्वेश्चन दिखा दें,
निम्नलिखित एकपदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, मतलब एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, पांच क्वेश्चन हमें इसमें सोल्व करने हैं। ऐसे इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। हमें लंबाई चौड़ाई यहाँ दे रखी है, इनका एरिया में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है पी कॉमा क्यू दे दिया, पी कॉमा क्यू, तो एरिया क्या होता है क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एरिया। बेटा मैं एक बार आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे। ओके, एरिया इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ, चलो मैं तो अलग अलग लिखता हूँ इसको, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं लंबाई और चौड़ाई को दोनों की जगह क्या लिखने वाला हूँ बता दो, इसको एल लेने वाला हूँ और इसको बी लेने वाला हूँ शॉर्ट में। तो आप क्या करोगे, आप इसको पूरा लिखोगे ताकि अब क्लियर दिख रहा होगा। देखो क्षेत्रफल यहाँ पे तो लंबाई और गुणा में चौड़ाई, तो क्षेत्रफल को एरिया लिखने वाला हूं, इसको ए लिखूंगा और लंबाई को एल लिखूंगा, चौड़ाई को बी लिखूंगा। इंग्लिश में लिखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको लेंथ को एल और ब्रेथ, ब्रेथ को बी लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करना है, अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हमारा पी ए कॉमा क्यू, पी कॉमा क्यू, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा पी क्यू, पी क्यू इसका आंसर होगा। सेकेंड पॉइंट है बेटा आपका माइनस टेन एम कॉमा फाइव एन, यहाँ दे रखे हैं दोनों, तो हम यहाँ लिखें एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास टेन एम दे रखा है, मल्टीप्लाई बी की जगह फाइव एन दे रखा है। तो बेटा देखो यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, आपको जो समझना है यहाँ पे देखो, जो दोनों में माइनस में देखो कितनी बार है माइनस साइन, एक बार है तो एक बार लिख लेंगे, दस की गुणा पाँच से दस पंजे पचास, एम और एन की गुणा करोगे तो एम एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम एन। ठीक है, सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या है माइनस का फोर पी कॉमा सेवन पी क्यू, सॉरी ये नहीं है, ट्वेंटी एक्स स्क्वायर कॉमा फाइव वाई स्क्वायर, ये है बेटा। ओके, अब इसमें देखो आप फिर एरिया निकालोगे लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो लेंथ इनटू में ब्रेथ निकालने के लिए लेंथ इनटू में ब्रेथ जब निकालेंगे तो लेंथ कितनी है हमारे पास में ट्वेंटी एक्स स्क्वायर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है गुणा में फाइव वाई स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी और फाइव के तो हंड्रेड हो जाएगा, बीस पंजे सौ ट्वेंटी फाइव जो वन हंड्रेड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा इसमें बच्चे कहते हैं सर इसको कुछ कहेंगे सर एक्स की पावर चार या वाई की पावर चार क्यों नहीं, बेटा ये गलत हो जाएगा। तरीका देखो क्या कहता है, ये मान लो आप नींबू हैं और ये भी ये आलू हैं, तो नींबू और आलू अलग अलग ही तो रहेंगे, अगर पाँच नींबू और पाँच नींबू तो दस नींबू होंगे, या पाँच सेब और पाँच सेब दस सेब होंगे, या दो सेब सात सेब दस सेब नौ सेब दो सेब सात सेब बराबर नौ सेब होंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये नहीं है कि सेब यहाँ पे अगर, लेकिन अगर आप सेब और अनार ले लो तो आप सेब और अनार अलग अलग बोलोगे ना, तो वैसे यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग है यहाँ पे आपके। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट में दे रखा है फोर्थ में फोर एक्स कॉमा थ्री एक्स स्क्वायर। ओके बेटा फोर एक्स कॉमा थ्री एक्स स्क्वायर, एरिया होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ हमारे पास कितनी है 4x है, ब्रेथ हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो 4 थ्री या 12 हो जाएगा और x की x से, तो यहाँ पावर 1 है या पावर 2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी पावर 3 हो जाए, x की पावर 3। अच्छा इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे, इसने बताया 3mn, 4np। ओके सही करता हूँ, हेलो, उसके बाद एरिया हमारे पास क्या निकलेगा लेंथ इंटू में ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3mn, 3mn मल्टीप्लाई बाई 4np, तो 4 थ्री जा कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, 4 थ्री जा 12 हो जाएगा। ओके, और m की m तो इसमें है कहीं भी नहीं है, m को एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे n है और इधर भी n है, n की पावर 2, n की पावर कितनी जाएगी 2, और p एज इट इज। ओके तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर टू हमारा कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री दिखा देता हूं आपको बेटा,
क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर आप देख सकते हैं लिखा है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। तो मैं एक सारणी बना लेता हूँ यहाँ पे और उसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, या मैं इसी में सोल्व करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड मोनोमियल, इनको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। एक पेंसिल दे दो, इसको इसी में सोल्व करवा देता हूँ आपके। इससे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा क्या करना है आपको। पहले 5 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 टू जो 10, माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 10। अच्छा वाई और एक्स, तो एक्स वाई हो जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद 3x स्क्वायर है। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6 होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। 4 टू जा 8 हो जाएगा माइनस का, अच्छा एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई की एज इट इज लिख लेंगे। ओके, अब 7 एक्स स्क्वायर वाई है, तो 7 टू जा 14, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, वाई एज इट इज आ जाएगा। 9 दूनी 18 माइनस का 18 हो गया, और एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, तो कितना एक्स की पावर 3 और वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ओके, अब इसके साथ ऐसे इसके साथ करेंगे, 5 टू जा 10, वही माइनस का 10 एक्स वाई, एक्स वाई। ओके, अच्छा 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 जा 25। अच्छा अब बेटा यहाँ कोई साइन नहीं आया, क्योंकि यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, इसलिए माइनस से माइनस खत्म। वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 2, वाई की पावर 2। 3x स्क्वायर है, तो 35 जा 15 माइनस का 15, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से और वाई यहाँ से। ओके वाई, तो अब देखो माइनस का 4, माइनस का ये, माइनस 4 5 जा 20, माइनस से माइनस खत्म, 20 आ जाएगा। 4 5 जा 20, एक्स तो एज इट इज आएगा, वाई कितनी बार है, 2 बार, वाई की पावर 2, एक्स वाई स्क्वायर। तो अब 7 5 जा 35 माइनस का कितना है, माइनस का 35। थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, और क्लियर कर देता हूँ। अब देखो बेटा, तो 7 5 35, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, और यहाँ y कितना, एक बार, और यहाँ भी y एक बार, तो y की पावर 2, y स्क्वायर हो जाएगा। 9 5 जा माइनस से माइनस कर 35, 9 5 जा 35, नहीं 45, 9 5 जा 45। ओके, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, y की पावर 2 और y की पावर 1, y की पावर कितना जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पे फिर इसमें लेंगे 2 3 6, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। 5 3 जा 15 माइनस साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर और वाई। अब 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी जाएगी 4। तो 4 3 जा 12 माइनस का 12, एक्स और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा और वाई। अच्छा 7 3 जा 21 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, वाई एज इट इज। अच्छा 9 से 9 3 जा 27, और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और y की पावर 2, y की पावर 2। ओके, अब इसके साथ करेंगे 4 2 जा 8, एक्स की एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर और y एज इट इज जाएगा। यहाँ पे माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से, तो माइनस से माइनस खत्म, 4 5 जा 20, एक्स की एज इट इज, y की मल्टीप्लाई y से करेंगे, y की पावर 2, 3 3 चौक 12, माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स की पावर 3 और वाई एज इट इज, 4 4 जा 16, माइनस से माइनस खत्म, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स की पावर 2 हो जाएगी और वाई, वाई की भी पावर 2 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे 7 4 जा 28, 7 4 28, और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा और वाई की पावर 2 हो जाएगा। ओके, फिर 9 4 36, 36 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ वाई की पावर भी 3 हो जाएगा। ओके, अब इसमें करेंगे 2 7 14, एक्स की पावर 3 वाई, देखो एक्स एक्स और एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ओके, और वाई एज इट इज जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 5 और 7, 7 5 35 माइनस का 35, और
एक्स तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, तो वाई की पावर दो मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर आप कितना है, तीन सत्ते 21 हो गया, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और वाई एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे 4 सत्ते 28 हो, माइनस का 28 28 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स की पावर कितनी जाएगी 3, और वाई की वाई से करेंगे तो वाई की पावर 2। अच्छा, 7 सत्ते 49, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो मतलब एक्स की पावर 4, और वाई की वाई से करेंगे वाई की पावर 2, वाई की पावर 2 हो गया। 9 की 9 सत्ते 63, माइनस का 63 हो गया, माइनस का 63, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, और वाई की वाई से करेंगे वाई स्क्वायर से तो वाई की पावर 3। अब 9 वाले से करते हैं, किससे करेंगे 9 वाले से। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 9 वाले से कैसे करेंगे, 2 नीम 18 माइनस का, और कितना हो जाएगा एक्स की एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर। ओके, माइनस 5 की माइनस 9 से, तो माइनस से माइनस खत्म, 9 पंजे 45 45 हो गया, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, वाई कितना है वाई की पावर 2 और वाई की पावर 1, तो वाई की पावर 3 हो जाएगा। फिर 3 से 3 27 माइनस 27 हो गया, और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और वाई की पावर 2। फिर 4 की 9 से माइनस से माइनस खत्म, 4 नीम 36 36 हो गया, एक्स स्क्वायर और 1 एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और वाई की पावर कितनी जाएगा वाई की पावर भी 3 हो जाएगा। फिर 7 नीम 63 माइनस 63 हो गया, और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 3 हो जाएगा। ओके, और फिर माइनस 9 से 9 नीम 81 माइनस का 81 हो गया, और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 नहीं सर, तो कट जाएंगे। हाँ तो अच्छा, माइनस से माइनस बिल्कुल भाई यहाँ पे प्लस कर जाएगा, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 वाई की पावर 4। इस तरीके से आपका पूरा पार्ट सोल्व हो गया। मैं थोड़ा और आपके पास में ला के दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे बेटा, ये वाले पार्ट अच्छे से आप देख पाएंगे, क्लियर हो पाएंगे आपके, देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, जरा मैं एक बार थोड़ा क्लियरिटी से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, ऐसे दो घनाकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है, उसी के आधार पर हम इनकी आयतन निकाल लें। तो आयतन का फॉर्मूला ही बताऊंगा मैं आपको, और पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में कहा, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो मैं रेस्पेक्टिव लेंथ ब्रेथ हाइट यहां दे रखी है, इसके हिसाब से इनको सोल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले यहां लिख लेते हैं क्या है, पेन किधर गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट वाला पार्ट बेटा आयतन, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में दोनों में। आयतन का मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है लंबाई को एल मानने वाला यहां पे मैं, सॉरी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को एल लेंगे, चौड़ाई को बी, और ऊंचाई को एच। ऊंचाई को क्या लेंगे, एच, और इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, क्या नहीं बोलते हैं वॉल्यूम, बराबर लेंथ इंटू में ब्रेथ, बी आर ई ए डी टी एच, ब्रेथ और हाइट, एच ई आई जी एच टी हाइट। ओके, आयतन को हम वी ले लेते हैं, इस आयतन को मतलब वी से डिनोट कर देते हैं, किससे, वी से डिनोट कर देते हैं। तो अब लेते हैं पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में बोल दिया उसने 5a,3a²,7a⁴। तो बेटा ये वाला L है, ये वाला B है, और ये वाला H है। ये कॉमा से आप देख पा रहे होंगे, कॉमा से उसने अलग अलग उनको डिनोट कर दिया। तो आप लिखोगे वॉल्यूम मतलब आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारे पास 5a इंटू में 3a² इंटू में 7a⁴। तो बेटा देखो कितना था, पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करो जो नंबर्स हैं, तो 5 × 3 = 15, 7 = 105, 5 × 3 = 15, 7 = 105। सबसे पहली चीज हमने लिख दिया। अब ए देखो, यहाँ 4 × 2 = 6 और 1 = 7, 1 की पावर 7। इतना आसान हो जी, बस इतना ही इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस समझना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि समझ के हिसाब से उसको सोल्व करते हैं।
अब उसने सेकंड वाला पार्ट बोला, सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या क्या उसने, सेकंड वाले पार्ट में लिख लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले में है 2p, 4q, 8r, ठीक है बेटा। तो वही फिर वॉल्यूम करके लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितना है, 2p इंटू में 4q इंटू में 8r इक्वल टू, देखो दो चौक आठ अट्ठे, देखो दो चौक आठ, आठ गुणा आठ से 64, 88 से 64 था। पी क्यू आर तीनों डिजिट अलग है, तो पी क्यू आर तीनों को अलग अलग लिख लेंगे, इनमें हम स्क्वायर वगैरह करके नहीं लगाते। थर्ड क्यू, जब अगर एक जैसे डिजिट होती है तो उनके साथ, जैसे यहाँ पे एक जैसे डिजिट थी तो एक ही पावर में थे, तो एक ही पावर सब जोड़ के लिखी यहाँ पे हमने, देख सकते हैं आप, ओके। उसके बाद अब हम देखें इसके इसके अंदर थर्ड पार्ट में क्या कहा, थर्ड में कहा है xy, 2x2y, 2xy2, ओके। अब इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं वो देखें यहाँ पे, तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ हमारे पास एक्स वाई, ब्रेथ हमारे 2x2y, हाइट हमारे पास 2xy2। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो डिजिट है 2 2 जा 4 लिख लेंगे, एक्स, एक्स की पावर 2 और एक्स, एक दो और एक तीन और एक चार, एक्स की पावर कितना जाएगा 4, वाई की पावर 2 3 और एक 4, वाई की पावर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसका अगला करेंगे फोर्थ पॉइंट, 4 यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या दे रहा है इसने, ए 2b, 2b-c, ए कॉमा कॉमा 2b, 2b और उसके बाद कॉमा 3c। तो वॉल्यूम हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ए इंटू में 2b इंटू में 3c। अभी अगला क्वेश्चन बेटा वो, तो यहाँ पे देखें 2 3 6 हो जाएगा, a b c। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो गुणनफल निकालने का तरीका वही जैसे अभी हमने निकाला था लेंथ ब्रेथ हाइट वाले केस में, सेम वैसे करेंगे। जैसे एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, हमें ऐसे दे रखा है इन्होंने, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कॉमा टा के मल्टीप्लाई का साइन, वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। तो आंसर क्या होगा, एक्स को दो बार है तो एक्स स्क्वायर, वाई यहाँ दो बार मल्टीप्लाई में तो वाई स्क्वायर, और जेड दो बार है मल्टीप्लाई में तो जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पॉइंट लेंगे, सेकंड वाले में उसने बोला है ए कॉमा माइनस का ए स्क्वायर कॉमा ए की पावर 3। तो बेटा जहाँ देखो मल्टीप्लाई सॉरी माइनस की पहले, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, पहले ए इंटू में माइनस का ए का स्क्वायर इंटू में ए की पावर 3। मल्टीप्लाई के अंदर ये देखो माइनस साइन कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लगा लेंगे। अब ए की पावर 3 और 2 5 और 1 6, ए की पावर 6। पावर पावर को यहाँ पे कुछ नहीं होता बेटा, पावर 1 होती, कभी तुम सोचो सर कहाँ से जोड़ रहे हैं, ओके। तो उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड के लिए यहाँ पे लेंगे 2, 4y, 8y2, 16y3। तो देखो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 × 4y × 8y2 × 16y3। तो देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 8 8 64 × 16, अच्छा y कितना है 3 2 5 और 1 6, वाई की पावर 6 लिखेंगे, 16 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे, 16 × 64 का 4 हासिल लगा 6 16 96 और 6 102, वाई की पावर 6। आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका। थर्ड का फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ लेंगे यहाँ पे, फोर्थ में ए इन कॉमा कॉमा बी 2b, 3c, 6a b c। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ए इंटू में 2b × 3c × 6a b c। देखो यहाँ पे 2 2 3 6 6 36 हो जाएगा, और ए कितनी बार, 1 2 1 की पावर 2 हो जाएगा, बी यहाँ पे कितनी बार, बी की पावर 2 हो जाएगा, सी 2 बार, तब सी की पावर 2 हो जाएगा। इसका चलते हैं थर्ड फोर्थ का फिफ्थ पॉइंट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट है, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।
एम इंटू में माइनस का एम एन इंटू में एम एन पी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की देखो एम एक बार दो बार तीन बार, एक बार माइनस का साइन एक बार लगा लेंगे, एम एक दो तीन एम की पावर तीन हो जाएगा, एन दो है तो एन की पावर दो हो जाएगा, दो बार एन और पी एक बार है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाले को अपने शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने इजी से आपको यहाँ पर समझाया जाता है और सारे क्वेश्चंस की वीडियोज आपको यहाँ मिल जाएंगी सभी क्लास के लिए। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।